क्या? एसटीएफ? क्यों? क्या हुआ? बम? व्हाट? नीचे आए हुए? खाली करवा रहे हैं? देखिए सर, सर मेरा मेरा बिजनेस ठप हो जाएगा सर, क्या कर रहे हैं आप? अबे क्या हुआ सर? अरे सर्वर छोड़ और अपनी जान बचाने की कोशिश कर। हुआ क्या सर? किसी ने मॉल में बम लगा दिया, चल भाग। बम? ए लोग कहाँ जा रहा है? नीचे एसटीएफ वाले आए हुए हैं, चल उनकी मदद कर। सर नीचे एसटीएफ वाले, हम ऐसा करते पीछे की गली से चुपचाप निकल चलते। और लोगों का क्या, उनकी जान नहीं बचानी है, चल। सर भाग, आजा। सर लेकिन बम फट गया तो हमारा मॉल बर्बाद हो जाएगा। लोगों की जान बचाना ज्यादा जरूरी है, चल। एवरीबॉडी आओ, बाहर निकलो सब लोग, यहाँ से जाओ। सर सर ये क्या कर रहे हैं सर, ये क्या कर रहे हैं? आपको दिखाई नहीं दे रहा? अगर लोगों को पता चल गया तो मेरा बिजनेस चौपट हो जाएगा सर। तुम अपने बिजनेस के पीछे पड़े हो, यहाँ 5 मिनट में बम फटने वाला है और तुम्हें अपने बिजनेस की पड़ी है। डैमेट, 5 मिनट बस? हाँ ठीक, 6 बजे बम फटने वाला है। तो आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि हमें भी अभी पता चला है। 5 मिनट बस? हाँ, अब रुको मत यहाँ पे, चलो जल्दी बाहर निकलो सब लोग, कम ऑन। मेरा बिजनेस, चलो चलो, मेरा मॉल, सब भाग रहे हैं सर। मॉल खाली करो, लोगों को पता चल गया। बाहर कोई भी रुको मत, जल्दी बाहर निकलो। चल गए। हेलो, अभी बम मिला? ठीक है तुम आ जाओ, सिर्फ 2 मिनट बाकी है बम फटने के लिए, कम डाउन नाउ। चलिए चलिए प्लीज प्लीज बाहर निकलिए। कम ऑन गाइस, कम ऑन, मूव मूव मूव, चलिए चलिए चलिए। पंद्रह सेकंड बाकी है। नहीं फटा। तुम लोगों ने क्या सोचा कि मैं यहां ये छोटी सी दुकान उड़ाने आया हूं? मेरा इरादा तो लाखों लोगों को मारने का है। अगले 24 घंटों में मैं तुम्हारे इस शहर में एक ऐसा धमाका करूंगा जिसकी आवाज अगले 24 जन्मों तक इस देश में गूंजेगी। शुरुआत यहां से करता हूं। ये बेचारा, पहली कुर्बानी। एक आदमी को तो मार दिया, अब आगे क्या करने वाले होंगे? यही तो सवाल है। हमारे सामने मारा गया वो। सर वक्त बहुत कम है हमारे पास, हमें ये पता लगाना ही होगा कि अगले 24 घंटों में ये आतंकवादी ऐसा करने क्या वाले हैं। करने के लिए तो ये पूरे शहर में कहीं भी हमला कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात कि इन लोगों ने आखिर ये धमकी टीवी पर दिखाई कैसे? सर मिनिस्ट्री से पता चला है कि ये टेलीकास्ट एक प्राइवेट चैनल पे हुआ है। मगर ये आतंकवादी चैनल में घुसे कैसे? सर चैनल वाले कह रहे थे कि उनका चलता हुआ प्रोग्राम अचानक रुक गया और उसकी जगह कुछ और ही दिखाया जाने लगा। एकांश, वो सीन फिर से दिखा। तुम लोगों ने क्या सोचा कि मैं यहाँ ये छोटी सी दुकान उड़ाने आया हूँ? मेरा इरादा तो लाखों लोगों को मारने का है। एक मिनट, तुमने कुछ देखा? नहीं सर। नहीं, ठीक है। एकांश रिवाइंड करो, दोबारा प्ले करो। मेरा इरादा तो लाखों लोगों को मारने का है। अब देखा, सिग्नल में ब्रेक है। अब तुम लोग एक काम करो, जरा आतंकवादी की आवाज को भूलकर पीछे जो आवाजें चल रही हैं, बैकग्राउंड उस पर ध्यान दो। मेरा इरादा तो लाखों लोगों को मारने का
देखो किस चीज की आवाज है। ये तो बिजली चमकने की आवाज है। करेक्ट, ये बिजली चमकने की ही आवाज है। बिजली चमकने की वजह से ही सारी गड़बड़ हुई है। एकांश, प्ले इट अगेन। तुम लोगों ने क्या सोचा कि मैं यहां ये छोटी सी दुकान उड़ाने आया? देखा, उन्होंने ये धमकी टीवी पर कितने बजे दिखाई थी? सर, 6:03 पर। 6:03 6:03 पर उन्होंने ये दिखाया। हमने उस आदमी को मरते हुए देखा। उसी टाइम, उसी वक्त हमें भी बिजली के कड़कने की आवाज सुनाई दी, है ना? तुम लोगों ने क्या सोचा कि मैं यहाँ ये छोटी सी दुकान उड़ाने आया हूँ? राइट सर। ठीक उसी वक्त। कैसे? यानी कि वो लोग भी वहीं थे, आसपास? आसपास ही थे? हाँ सर, यानी कि उन्होंने ये धमकी कहीं आसपास से ही ब्रॉडकास्ट की है। हाँ पर सर, उन्होंने ब्रॉडकास्टिंग करी कहाँ से? वहीं से, उस मॉल के आसपास से। वो जो दूसरे न्यूज चैनल की सीडी है उसे प्ले करो। यस, वैंस, ओबी वैंस। जूम करो, जूम करो। सेन में से 3 ओबी वैंस तो मशहूर न्यूज चैनल्स की हैं। लेकिन वो जो चौथी ओबी वैन है, क्या नाम है? न्यूज नेटवर्क। सर, इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना। वो इसलिए क्योंकि यही है वो आतंकवादियों की चैनल। यहीं से दिखाया गया है वो मर्डर। पर सर, उन आतंकवादियों के पास ये ओबी वैन आई कहां से? किराए पे ली होगी। उस वैन का नंबर क्या है? ZY4784। हेलो, RTO ऑफिस, मैं अभी मनी बोल रहा हूँ, स्पेशल टास्क फोर्स से। एक गाड़ी का नंबर है ZY4784। ये एक ओबी वैन है जी। यहाँ से न्यूज़ दिखाई जाती है लाइव। इस गाड़ी का मालिक कौन है? किसकी है ये वैन? क्या? मीरा वैन हायर कंपनी। कैसी जगह पे खोल रखी है इस कंपनी ने ऑफिस? पार्किंग लॉट में ऑफिस? यहाँ किसी से पूछ लेते हैं कि यहाँ पर ऑफिस है भी कि नहीं, किसी ने बोर्ड लगा लिया है। पूछना क्या है, ऑफिस वालों को फोन करके यही बुला लेते हैं। ये रहा नंबर। बताओ। 7780924 भाई, घंटी तो बज रही है। अभिमन्यु सुनो, ये जरा सुनो, ये आवाज है या कुछ और? सर, घंटी तो बज रही है। एक मिनट सर, आवाज वहां से भी आ रही है। यही तो, कट करके देखते हैं, फिर से डायल करते हैं। बज रहा है सर, आवाज यहीं से आ रही है। वहां से आवाज, वहां से आ रही। सर, लगता है आवाज ऊपर से आ रही है। लगता है उन लोगों की लाशें हैं जिन्हें आतंकवादियों ने मारा है और उनकी ओबी वैंस ले ली। इसी वक्त शहर के सभी चेकनाकों को खबर कर दो, कंट्रोल रूम को बता दो और हमारे खबरियों को भी बता दो। हेलो, अरे हाँ हाँ बोलो, तुम्हारे ही फोन का इंतजार कर रहा था मैं। ओबी वैन का कुछ पता चला या नहीं? अभिमन्यु जल्दी से गाड़ी घुमा लो, वो ओबी वैन शहर के बाहर किसी
भंडारी नगर के पास देखी गई है। चलो चलो जल्दी अभिमन्यु जल्दी, वैसे ये ट्रैफिक कहीं वो लोग निकल ना जाए। हॉर्न मारो, कुछ करो अभिमन्यु, व्हाट आर यू डूइंग? सर मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, अगर ये ट्रैफिक जैम नहीं होता तो। हाँ नहीं तो पता नहीं क्या का क्या कर देता है, यही ना। सर आपको इस तरह से टॉन्ट मारने की जरूरत नहीं है, मुझे भी मालूम है कि हमारा वहाँ जल्दी पहुँचना बहुत जरूरी है। तुम अगर मेरे भाई हो इसका मतलब ये नहीं कि आपका भाई हूँ, यही मेरा सबसे बड़ा अभिशाप है। क्यों? कुछ भी करो कैसे भी करो, सिवाय टॉन्ट्स के आज तक आपने मुझे कुछ दिया है? मैं तुम्हें बड़ी उम्मीदों से एसटीएफ में लाया था, पर तुम खैर छोड़ो। मैंने नहीं कहा था कि आप मुझे एसटीएफ में लेकर आए। तुम आर्मी से निकले थे और तुम्हें पता भी नहीं था कि जिंदगी के साथ क्या करना है, आवारा घूमते हुए मिलते आज भी। सो, अभी मन्नू के बारे में इस तरह की बातें सोचना गलत है। तुम चुप रहो, दूसरे लोगों से सुनना पड़ता है कि यहाँ भाई भतीजावाद चल रहा है। आज तक तुमने ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे लोगों का मुंह बंद हो सके। ठीक है सर, मैं कुछ ऐसा करके दिखाऊंगा जिससे आपकी नाक ना कटे और आपका सर हमेशा ऊंचा रहे। बात करते हैं। तो। रुक जाइए सर, बॉम्ब हो सकता है। You're right. हो सकता है। हाथ लगाएंगे तो फट जाएगा, मैं देखता हूं। अभिमन्यु, शहीद होने का इरादा है क्या? कोई ना कोई तो होगा ही, मैं ही सही। संभाल कर। यहां से वो टीवी प्रोग्राम्स देश भर में भेजा जा रहा था, वो शॉट यहीं से दिखाया गया और वो लोग यहीं बैठे थे। यहां से जरूर कुछ मिलेगा। हाँ, फिंगरप्रिंट्स उठाने की कोशिश करो। क्या रख दो बॉक्स? पांच आदमियों के उंगलियों के निशान मिले थे ना उस वैन से? तो कोई मैच हुआ क्या? ये देखो। ये मिल गया। तो एक आदमी के फिंगरप्रिंट्स मैच हो गए हैं। पता चला कौन है? अभिमन्यु कौन है? एक टेररिस्ट है। टेररिस्ट? सब लोग अपनी अपनी बंदूकें ले लो। दिस हैज टू बी अ फुल ऑन असॉल्ट, fully armed shoot to kill. I want this man. इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? तुम क्या अकेले जाकर पकड़ने वाले हो उसे? उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, उसे यहां बुलाया है? नहीं। तो फिर जिस टेररिस्ट के फिंगरप्रिंट्स हमें वहां उस वैन पे मिले हैं वो मर चुका है। तुम्हें हो क्या गया है अभिमन्यु? मेरी हर बात के खिलाफ तुम्हारी ये बगावत कैसी? वो मर चुका है। अगर वो मर चुका है तो उसकी उंगलियों के निशान उस वैन में कैसे?
उसकी आत्मा आई थी वहां पे। गालियन, एक बार फिर से चेक करो अभिमन्यु, क्या ये मरा है या नहीं? सर मैं बार बार चेक कर चुका हूं, ये हो ही नहीं सकता सर। जो आतंकवादी पहले ही मर चुका है, उसके फिंगरप्रिंट्स उस वैन में पहुंच कैसे सकते हैं? पुलिस के रिकॉर्ड से यही पता चलता है। पुलिस के रिकॉर्ड कभी गलत भी हो सकते हैं अभिमन्यु। 31 मार्च 2002 कालिया को उम्र कैद की सजा दी गई। 20 जून 2007 कालिया की जेल में हार्ट फेल से मौत। जेल में दिल का दौरा पड़ने से मौत। डॉक्टर अरविंद की मेडिकल रिपोर्ट भी है साथ में। डॉक्टर अरविंद ने चेक करके बताया कि कालिया मर चुका है। इस डॉक्टर अरविंद से मिलना पड़ेगा। 5 दिन, 5 दिन से आपके पति वापस नहीं आए हैं और आपने ढूंढा नहीं उन्हें? हाँ, सब जगह देख लिया, हॉस्पिटल में, क्लिनिक में, सब जगह पूछ लिया, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? 5 दिन से डॉक्टर अरविंद गायब है और आप कहते हैं आपको कुछ पता ही नहीं? अरे कुछ तो बताकर गए होंगे कि कहां जा रहे हैं। जी नहीं, बस किसी का फोन आया था। फोन? किसका फोन आया था? जी मालूम नहीं, बस बात करते देखा था, उसके बाद वो बाहर चले गए। बात भी नहीं सुनी, किसका फोन था ये भी नहीं मालूम, वो कहां गए हैं ये भी नहीं मालूम। क्या आपको मालूम आपके पति ने किया क्या है? जी नहीं। एक जिंदा आदमी को, एक जिंदा टेररिस्ट को उन्होंने मरा बताया है, समझिए आप। ऐसा कैसे कर दिया उन्होंने? वो तो बहुत अच्छे आदमी है। हाँ हाँ, वो तो बहुत अच्छे हैं। हम लोग माला खरीदने जा रहे हैं, मिल गए तो डाल देंगे उनके गले में। बहुत अच्छा। अच्छा ये तो बता सकती हो कि फोन आया कब था? जी वो शाम को 5:30 बजे। और कौन सी शाम को? सोमवार की शाम को। फोन मोबाइल पर आया था या इस फोन पर? जी इसी फोन पे। क्या नंबर है यहाँ का? 106-5475। हेलो टेलीफोन निगम, मैं अभिमन्यु बोल रहा हूँ स्पेशल टास्क फोर्स से। मैं एक नंबर आपको दूंगा, आप ये पता लगाइए कि पिछले 7 दिनों में यहाँ कहाँ कहाँ से फोन आया है। नंबर है 106-5475। यहाँ कोई फैक्स मशीन है? जी उधर है। क्या नंबर है उसका? 306-389। फैक्स नंबर है 306-389। ये सारी की सारी डिटेल्स अभी के अभी इस पर फैक्स कर दीजिए। थैंक यू। अभी पता चल जाएगा कि फोन किसका आया था। फैक्स आ गया। मंडे 5:30, 5:30 मिल गया। 5:18, 335878, यही वो नंबर है जहां से फोन आया था। 335878, मालूम है नंबर किसका है? ये मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। कभी सुना है ये नंबर? जी नहीं। मगर इस लिस्ट में तो ये नंबर कई बार आ चुका है, मतलब आपके घर में फोन कई बार आ चुका है इस नंबर से। गैरी तरह देखो तो सही, ये नंबर है किसका? 335878। हेलो, हाँ 335878, ये नंबर है किसका? एक दुकान का। इसका एड्रेस क्या है? 517 घनश्याम दास रोड। ओके थैंक यू। थैंक्स। ये नंबर तो किसी दुकान का घनश्याम दास रोड पर है। क्या आपका या अरविंद का कोई दोस्त या रिश्तेदार घनश्याम दास रोड पे रहता है? नहीं तो फिर ये कौन है
जिसने यहाँ पर इतने सारे फोन कॉल किए हैं। शॉप नंबर तो यही है 517। बड़ी अजीब सी दुकान है। डॉक्टर अरविंद को यहाँ से किसी ने फोन किया होगा, ऐसा लगता तो नहीं। हमारे पास नंबर है, मालूम कर लेते। कोई शक? कोई शक नहीं। नहीं सब, क्या सिलवाना है? अरे नहीं यार, मुझे कुछ सिलवाना नहीं है, मुझे कुछ कपड़े लेने थे। कपड़े? आप लोगों को तो मैं पहली बार यहाँ पर देख रहा हूँ। सॉरी, मुझे थोड़ी गलती हो गई। वो डॉक्टर अरविंद ने हमें यहाँ भेजा है, उनके कुछ कपड़े हैं यहाँ पर। डॉक्टर अरविंद? ये कौन है भाई? इनका भी नाम मैं पहली बार सुन रहा हूँ। अरे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? डॉक्टर अरविंद ने हमें कहा कि उनके कपड़े यहाँ पर है, जाकर ले आओ। मैंने तो कभी ये नाम नहीं सुना साहब। अरे आप लोगों ने कभी डॉक्टर अरविंद का नाम सुना है? नहीं सर। देखा साहब, इन्होंने भी नहीं सुना। साहब अब बोलो, हमारा खाने का टाइम हो गया। हम खाना, जल्दी जाओ, एक पैंट रेडी कर देना बाद में आके। मुझे भी बहुत भूख लगी यार। एकांश, हाँ सर वो बंगले के अंदर घुस गए सर। ओके सर। वो दोनों? सर दोनों अंदर गए। वहां एक खिड़की है, झांक कर देखो। सर अंदर दो लोग हैं। वही दो? नहीं सर, कोई और दो हैं, और दोनों के पास गन्स भी हैं। यानी यही आतंकवादियों का अड्डा है, और कालिया भी यही होगा। दरवाजा खोलो। कहाँ गए? दूसरे कमरे में देखते हैं। डॉक्टर अरविंद है।
तो मर चुका है, खून शायद अभी भी घर में हो। सच लगता है इसी चाकू से उसका खून किया गया है, संभाल कर। सर पूरा घर खाली है, अभी तो यहीं थे। घर खाली है लेकिन ये कमरा ऑपरेशन थिएटर बनाया गया है। मोबाइल फोन से ट्रिगर बनाया गया है। ओह माय गॉड, ये देखिए सर। सर और भी कुछ है? मेडिकल डायग्राम्स, ये सर्किट्री को देखकर मुझे पूरा यकीन है कि कोई तो है जो एक ऐसी छोटी बॉम्ब बना रहा है जो किसी के भी जिस्म में फिट हो सकता है। लेकिन ये जो प्लास्टिक सर्जरी का सामान है, ये यहां किस लिए, किस मकसद से? सर हो सकता है काले इसका इस्तेमाल कर रहा हो और यहीं कहीं आसपास हो। सर इसके नीचे कुछ है, शायद कोई खुफिया कमरा। सुनिए, क्या आपने किसी को इस जंक्शन बॉक्स में से निकलकर भागते हुए देखा है? हाँ, अभी चार लोगों को इधर से निकलकर भागते देखा है। उन चारों में से एक ये भी था ना? नहीं, ये उन चारों में से नहीं है। क्या तुम्हें पूरा यकीन है उन चारों में से एक नहीं था? अरे मैडम, मुझे अच्छी तरह से याद है, ये उन चारों में से कोई नहीं है।
सड़क पर हमें एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला जो ये बता सके कि कालिया वहां से गया था या नहीं। पर सर, वो लोग वहां से गए थे तो जरूर। अगर वो वहां से गए थे तो फिर पहचाना क्यों नहीं किसी ने? क्योंकि कालिया ने अपना चेहरा बदल लिया है। अब वो कालिया कालिया नहीं रहा। वो देखे नहीं थे वहां बंगले में? वो प्लास्टिक सर्जरी के पोस्टर, वो प्लास्टिक सर्जरी का ऑपरेशन करने के औजार। सर, एक तो उसने अपने अंदर बम फिट करा रखा है, ऊपर से उसने अपना चेहरा भी बदल लिया, तो अब हम उसे कैसे पकड़ेंगे? अब तो वो कहीं भी जाकर तबाही मचा सकता है। सर, डॉक्टर अरविंद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। डॉक्टर अरविंद की मौत 2 दिन पहले हुई है, 48 घंटे पहले। डॉक्टर 2 दिन पहले ही मरा है? जी सर। अगर वो 2 दिन पहले मरा है तो उसने कालिया का चेहरा 2 दिन पहले बदला था? जी सर। मतलब उसने कालिया के शरीर में वो बॉम्ब 2 दिन पहले फिट किया था? हाँ सर। तो फिर बचा क्या? सर, उस दिन कालिया ने जब उस आदमी को हम सब के सामने टीवी पर मार दिया था, उस दिन भी उसकी बॉडी में बॉम्ब लगा हुआ था। तो फिर उसने मॉल में बॉम्ब फोड़ा क्यों नहीं? अरे, सैकड़ों लोगों को मार सकता था वो। यानी कि वो वहां मॉल उड़ाने आया था, धमकी देने नहीं। यही तो सवाल है, उसने मॉल को उड़ाया क्यों? क्यों नहीं उड़ाया? उसने अपना चेहरा तो बदला ही हुआ था, मॉल के अंदर भी घुस ही गया होगा। सर, मॉल के अंदर जाने से पहले चेकिंग होती है, मेटल डिटेक्टर्स होते हैं। अगर उसकी बॉडी में बॉम्ब होता और वो मॉल के अंदर जाता तो पकड़ा जाता। अभिमन्यु, उसने अपना चेहरा बदल लिया है और मेरे ख्याल से उसने किसी ऐसे आदमी का चेहरा लगाया है जिसकी चेकिंग होती ही नहीं। जैसे सिक्योरिटी वाले? हाँ, सिक्योरिटी वाले, उनकी तो चेकिंग होती ही नहीं है। पर फिर भी सर, मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है कि उसकी बॉडी में बॉम्ब भी था, वो अंदर पहुंच भी गया था, तो फिर भी उसने बॉम्ब क्यों नहीं फोड़ा? 2 ही बातें हो सकती है गैरी। एक, उसने बॉम्ब फोड़ने की कोशिश तो की लेकिन वो बॉम्ब फटा नहीं। दूसरे, हम लोग अचानक वहां पहुंच गए इसलिए उसने वो बॉम्ब नहीं फोड़ा। सर, सुइसाइड बॉम्बर तो मरने के लिए ही आता है, हमारे वहां होने या नहीं होने से क्या फर्क पड़ता है? उसकी धमकी तुम्हें याद है एकांश? तुम लोगों ने क्या सोचा कि मैं यहां ये छोटी सी दुकान लगाने आया हूं? मेरा इरादा तो लाखों लोगों को मारने का है अगले 24 घंटे। सर, वो चाहता था कि जब मॉल में बॉम्ब फूटे तो टीवी पर उसे सारी की सारी दुनिया देखे, पूरा का पूरा देश कांप उठता। मगर बदकिस्मती से हम वहां पहुंच गए और हमने उस मॉल को खाली करवा दिया और उसका प्लान फेल हो गया। अगर वो बॉम्ब लेकर एक बार मॉल में घुस सकता है तो दोबारा भी जाएगा। सर, मुझे लगता है कि वो वहां पहुंच भी गया होगा। आप लोग यहाँ? क्या बात है, सब ठीक तो है? कुछ भी ठीक नहीं है। हमें कंफर्म रिपोर्ट मिली है कि वो आतंकवादी इसी मॉल पर हमला करने वाला है। What? जी हाँ, इस मॉल में किसी को भी मेटल डिटेक्टर से गुजरे बगैर अंदर मत आने दो। सबकी चेकिंग करो। जिन लोगों की चेकिंग नहीं होती है उन लोगों की लिस्ट लेकर आइए। राजेश, लिस्ट लेकर आओ। पर वो लिस्ट क्यों चाहिए? क्योंकि ऐसा ही कोई आदमी बॉम्ब लेके अंदर आएगा जिसकी चेकिंग नहीं होती। ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ, उस आतंकवादी ने किसी ऐसे आदमी का चेहरा लगा लिया है जो यहाँ काम करता है, जिसकी वजह से उसकी चेकिंग नहीं होती। सर, फाइल सर। तो ये है वो आदमी जो बिना चेकिंग के अंदर आते हैं। एक एक को चेक करो। पहला, दूसरा, प्लीज कंफर्म, नंबर 3। इसका मतलब मैनेजर, अब सिर्फ मैनेजर बचा है। कहां है वो मैनेजर?
ये होगा, ये देख। अब तू बता तेरा क्या होगा एसटीएफ वाले। मैंने बम चालू कर दिया है, 2 मिनट में पूरी बिल्डिंग उड़ जाएगी, तुम सबके सब माने जाओगे। शूट में करेगा, अगर ये मरा तो उसके साथ बम भी फट जाएगा। शूट शूट कम ऑन शूट, याद है कि धड़कन नहीं टाइम बम की घड़ी है, अगर ये रुक गई तो बम फटा। अभिमन्यु बम कभी भी फट सकता है, छोड़ो इसे। अभी अभी सर जाइए यहाँ से। What are you doing? अभी सर, अगर ये बम यहाँ फटा तो बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। सर जाइए यहाँ से। अभिमन्यु सर जाइए यहाँ से। अभी अभिमन्यु अभिमन्यु छोड़ो उसे। स्टॉप स्टॉप आई सेड स्टॉप अभिमन्यु। अभिमन्यु गेट अवे फ्रॉम देयर। सर रुक जाएंगे वहां पे। सर अगर ये बॉम्ब यहाँ फटा तो बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। सर जाइए यहाँ से। अभिमन्यु ये क्या पागलपन है, उतर जाओ वहाँ से। दिस इज एन ऑर्डर। सर जाइए प्लीज यहाँ से जाइए। अभिमन्यु ये मत करो, ये पागलपन है। सर जाइए। स्टॉप इट। सर जाइए यहाँ से, मारा जाएगा तू। अभिमन्यु अभी